देश में इन दिनों आदिवासियों पर कई अत्याचार किए जा रहे हैं, इसलिए झारखंड के आदिवासी भी सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये रांची का आदिवासी के लोग हैं और यहाँ पे सड़कों पे अपने हाथों में कई तरह के पोस्टर, कई बैनर लेकर के उतरे हैं। कह सकते हैं कि इन दिनों पूरे देश में जिस तरह से आदिवासियों पर अत्याचार किया जा रहा है, इसीलिए झारखंड के आदिवासी के कई संगठन सड़कों पर उतर करके सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर महिलाओं को और इनको सड़क पर उतर करके प्रदर्शन करने की जरूरत क्या पड़ा, क्या क्या है पूरा मामला। मामला यही है कि पूरे देश में आदिवासियों के साथ, जैसा कि देख रहे हैं आए दिन मणिपुर, मध्य प्रदेश, यहाँ पर आदिवासियों को ख़त्म करने के लिए UCC कानून जो लाया जा रहा है, और इसी तरह जितने भी आदिवासी सामाजिक धार्मिक जमीन के साथ जो लूट खसोट हो रहा है, उन सारे मामलों के साथ में हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और देश में, इतना बड़ा देश में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, और उसमें केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार जिस तरह उनका रवैया रहा है, ये बहुत ही घिनौना काम ये जो समर्थन कर रहे हैं उनका, और इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। यानी मणिपुर और हाल के दिनों में जिस तरह से पेशाब कांड की घटनाएं घट रही है, और UCC के मामले को लेकर के जिस तरह से आदिवासियों पर लगातार दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, यही वजह है कि देश के और राज्य के या झारखंड के आदिवासी सड़कों पर उतर कर केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे। हमारे साथ कुछ महिला हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सड़कों पर उतर करके सरकार के खिलाफ नारे लगाने की आवश्यकता क्या पड़ी, क्या कहेंगे सर। हम लोग मणिपुर के विरोध में और आदिवासी के ऊपर जो शोषण हो रही है उसके विरोध में आए हैं। कल को जो लोग हम लोग दबे कुचले ऐसा सोच के और हम लोग के ऊपर शोषण करे, ये तो अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात रही कि दो लड़की, सिर्फ मणिपुर में दो लड़की को किया गया है नंगा, अगर पूरी लड़कियों को नंगा कर दिया जाए तो क्या इंडिया वाले देख पाएंगे, क्योंकि सभी की माँ बहने ही होती है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ वो मणिपुर की वो लड़कियाँ ही है। अभी तक सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए था, इसलिए कर देना चाहिए था क्योंकि इतना दिन हो गया और देश की लड़कियों के साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। और ज़्यादातर जितने दबे कुचले लोग होते हैं उसी को दबाया जाता है, उन्हीं में से एक आदिवासी है जिनके साथ अधिक से अधिक शोषण। दूसरी बात रही आदिवासी जो थोड़ा सा दिमागी रूप से अस्वस्थ था उसके ऊपर पेशाब किया गया, तो ये एक तरह से शोषण ही हुआ। इस शोषण को रोकने के लिए इतनी सारी महिलाएं हुई है, और अगर सरकार की आंखें ये देखने के लिए तैयार है कि वो भारत की हर महिला को नंगा देखना चाहती है, तो भारत की हर महिला को नंगा करके देखे। सिर्फ मणिपुर की ही क्यों, मणिपुर की ही लड़की को क्यों, क्योंकि भारत की जितनी भी औरत है क्या सरकार सबको नंगा देख सकती है? नहीं ना देख सकती है। अगर सरकार नंगा नहीं देख सकती है तो फिर वहाँ के जो भी मुख्यमंत्री है उसको बर्खास्त करें, और वहाँ का जो भी ये चल रहा है इतने दिनों से दंगा को बंद करे, और जितने भी लोग हैं शोषित लोगों को है उनको अच्छी तरह से अपनी सुरक्षा में रखे। और जहाँ तक रही मोदी सरकार की बात, तो वो अपना निर्णय ले और जल्द ले ताकि महिलाओं को गुस्सा, क्योंकि जिस तरह से मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया, आदिवासी महिलाओं को नंग करके सड़कों पर घुमाया गया, कहीं ना कहीं ये नाराजगी साफ झारखंड के महिलाओं, आदिवासी महिलाओं में देखने को आपको मिल रहा है। यही वजह है कि सभी महिला सड़कों पर उतर करके अपने आदिवासी झंडे के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं और राज्य सरकार की बर्खास्तगी की मांग कर। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सड़कों पर उतर करके और क्या डिमांड है। हम देखा क्या कहेंगे मैडम, क्या है, हम लोग आदिवासी का अत्याचार जो हो रहा है उसके लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, पैदल मार्च चला रहे हैं। आदिवासी हम ही लोग का झारखंड राज्य में महिला हम लोग सुरक्षित में नहीं है, हम लोग इसी वास्ते पैदल मार्च निकाले हैं। ये झारखंड के आदिवासी महिला है और लगातार सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ ऐसी युवा है, उनसे भी जानने की कोशिश करें कि घृणित काम के लिए वो किसे दोषी मानती है, आप किसे दोषी मानती हैं? मणिपुर की सरकार को। क्या क्या डिमांड है सरकार से? सरकार जो ये सब किया है वो लोग को सजा दे, सजा दे।
आप लोग सड़कों पर उतर करके सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमने दोषियों पर कार्रवाई कर दी है, क्या उस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? हाँ, क्योंकि वो सरकार को करना चाहिए, क्योंकि हम लोग फिर कैसे रहेंगे अगर ऐसे होते रहेगा तो। उनको सिर्फ सजा सरकार ने अरेस्ट करवाया है, क्या डिमांड है आपको कि वैसे लोगों पर क्या कार्रवाई होनी? और वैसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। यह झारखंड की महिला आदिवासी और जिस तरह से मणिपुर की घटनाएं घटी है सड़कों पे, खुलेआम घटी है, दो तीन महिलाओं को नग्न करके सड़कों पे परेड करवाया गया है। निश्चित तौर पे ये झारखंड की महिला है, वैसे अपराध करने वाले लोगों को फांसी की सज़ा मांग कर रहे हैं। यही वजह है कि हम आपको दिखा रहे हैं कि झारखंड की महिला है, लगातार महिला ही नहीं बल्कि कई पुरुष भी हैं लगातार इस तरह की मांग सरकार से कर रहे हैं और सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कि वैसे लोगों को फांसी की सज़ा दे, और जब तक फांसी की सज़ा नहीं मिल जाती है ये आदिवासी महिला है सड़कों पर यूं ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगी। अपनी सहयोगी मुकेश के साथ नौशाद, लाइव इंडिया, रांची।